दोस्तों आपका चैनल भी भाई हैक हो सकता है। अगर आप नए यूट्यूबर हो तो आपका चैनल भी हैक हो सकता है। अगर आपने ये गलती की है तो आपका भाई 101% आपका चैनल हैक होगा। अगर आपको आपका चैनल हैक नहीं करवाना है तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये गलती मत करना, वरना गलती से भी गलती मत कर देना, वरना आपका चैनल भाई हैक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी भाई जितने सालों की मेहनत रहेगी वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप नए यूट्यूबर हो तो आप तो आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और भाई न्यू यूट्यूबर के लिए भी और भाई ओल्ड यूट्यूबर के लिए भी बहुत ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि भाई जब आपका चैनल ही चला जाएगा तो आपके हाथ में क्या रखा रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा भाई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो पूरी देखना, इसके बिल्कुल मत करना। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये गलती मत कर देना आप भाई। तो अगर आपका अगर ये गलती करोगे आप तो आपका चैनल भाई आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपका चैनल हो सकेगा हैक। क्योंकि आजकल भाई बहुत ज़्यादा हैकिंग का भाई पूरा सिस्टम बढ़ चुका है, हैकर बहुत हो चुके हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और आपको ये जो मैं बातें बताऊँगा वो आपको भाई अपने जीमेल पे जो कि मैं जो जो सेटिंग बताऊँगा आपको करके रख लेना है, जिससे कि आपको भाई चैनल हैक होने का चांसेस ही ना रहे। तो दोस्तों बने रही मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों अपन बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के टॉपिक पे। तो दोस्तों मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हो नित्या टैच। दोस्तों मैंने आपको एक भी रिक्वेस्ट है जो कि मैं हर वीडियो पे करता हूँ कि भाई मेरी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली बहुत ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, आपके चैनल को बचाने के लिए, आप भाई जल्दी जल्दी पैसा कैसे कमा सकते हो। ऐसे इस टाइप की वीडियो में भाई मैं बनाता रहता हूँ, इसलिए भाई मेरा भाई आप चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना दोस्तों। तो चलो सीधा चलते हैं अपन वीडियो के टॉपिक पे। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि आप अपने चैनल को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊं गलती कि आप क्या क्या गलती करते हो जो कि जिससे कि आपके भाई यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता, और आप ये बोलते हो बाद में कि भाई मैंने तो सब कुछ करके रखा था उसके बाद भी मेरा चैनल हैक हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक नॉर्मल भाई पूरा जो कि भाई हर लोग ये गलती करते हैं। तो दोस्तों एक गलती क्या रहती है आपकी कि भाई आपके आप अपने जीमेल पे टू वेरीफिकेशन ऑन नहीं रखते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपका ये टू वेरीफिकेशन। इसके बाद जो मैं और चीज़ें बताऊंगा और ऑल सेटिंग बताऊंगा वो तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपको देख के ही जाना पड़ेगा। टू वेरीफिकेशन में तो ऐसा है कि भाई आपको आपके जीमेल कहीं खुल नहीं सकती, पर उसका डाटा का भाई डाटा कहीं और तो जा सकता है। इसलिए भाई पहले मैं आपको ये सेटिंग बताऊँगा जो कि भाई आप करके रख लेना आपकी ही, तभी जाके आपका चैनल बचा सकते हो आप, वरना आपका चैनल हैक हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ पहले कि मैं बता रहा हूँ आपको टू वेरीफिकेशन ऑन। तो दोस्तों आपके गूगल पे जो कि सेटिंग रहती है भाई उधर आपको टू वेरिफिकेशन ऑन करना है, जो कि भाई बायटी स्टूडियो में सबसे पहले यही कहता है कि आप अपने भाई चैनल क्या टू वेरिफिकेशन ऑन करो। तो दोस्तों आपको टू वेरिफिकेशन ऑन करके आपका भाई जो कि जो मोबाइल नंबर रहेगा रिकवरी में, आपको भाई टू वेरिफिकेशन में ये क्या करते हैं अक्सर भाई लोग कि वो जीमेल दोनों सेम डाल देते हैं, जो कि भाई जीमेल जो आपका जीमेल चल रहा है वो जीमेल डाल देते हैं और उसी के नीचे वही जीमेल डाल देते हैं। जैसे कि आपकी एक जीमेल है, आपने एक जीमेल ऊपर वाले ऑप्शन में डाला है तो दूसरी जीमेल भी भाई दूसरा वाले ऑप्शन में भी वही जीमेल डाल देते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आपका एक जीमेल डालना है जो आपका भाई हैक ना हो और आपको जो जिसमें आप भाई रिकवर कर सकते हो, मतलब जिस जीमेल पे आपको कोड भेजना हो रिकवर करने के लिए, आपकी मेन आईडी को आपकी मेन जीमेल को रिकवर करने के लिए कोड भेजना हो, वो नीचे वाली जीमेल भाई आपको डालनी रहेगी। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है कि भाई टू वेरिफिकेशन ऑन कैसे ऑन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि भाई टू वेरिफिकेशन कैसे ऑन किया जाता है। तो दोस्तों आपको उस तरीके से भाई आपका मोबाइल नंबर डाल लेना है और आपकी जीमेल डाल लेना है और उसके बाद भाई आपको टू वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा, आपको टू वेरिफिकेशन ऑन हो कर लेना है। फिर उसके बाद भाई आपकी और गलती क्या रहती है कि दोस्तों आपकी ये गलती रहती है कि अगर आपने क्या आपके पास भाई एक जीमेल है, आपने उसी पे आपका क्या आपने यूट्यूब चैनल खोला है, आपने उसी जीमेल से यूट्यूब चैनल खोला है और अचैट है आपका जीमेल अकाउंट। तो दोस्तों आप क्या करते हो आपके कॉन्टैक्ट में भाई आप उसी जीमेल को भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देते हो, उसी को भाई अबाउट में डाल देते हो, तो हर जगह आप उसी जो जीमेल से आपका चैनल क्रिएट है उसी जीमेल को आप हर जगह डाल देते हो। तो दोस्तों आपको ये नहीं करना है, आपको बनाना है दो जीमेल, और दो जीमेल बनाने के बाद आपको जीमेल किस किस मोबाइल में खोल के रखना है। दोस्तों जिस मोबाइल पर आप अब जो कि कॉन्टेंट भाई जो संपर्क देने के लिए संपर्क आपके भाई जो कि स्पॉन्सरशिप लोग कंपनी के लिए जो कंटेंट लोग
कॉन्टैक्ट दोगे, जो कॉन्टैक्ट दोगे आपको वो जीमेल आपको दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके रखना है। उसी मोबाइल में लॉगिन नहीं करना है जिसमें आपके भाई यूट्यूब चैनल की जीमेल लॉगिन हो। तो दोस्तों आपकी ये गलती भी नहीं करना है। अगर आप ये गलती करोगे कि उसी मोबाइल में दोनों जीमेल आपकी भाई कॉन्टैक्ट वाली जीमेल भी रहेगी आपकी और उसके बाद में आपके मेन आईडी भी रहेगी लॉगिन, तो आपका चैनल हैक हो सकता है। तो दोस्तों अब स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों स्पॉन्सर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर आता है तो मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, दंड फंद में नहीं फंसना है आपको, कि भाई अगर किसी कंपनी का भाई जीमेल पे अगर स्पॉन्सर से पाता है तो उसमें भाई @gmail.com लिखा आता है। आपको बस यही देखना है कि @gmail.com किस में लिखा है, बस उसी लिंक को आपको क्लिक करना है। बगैर उसके अलावा आपको भाई कोई सा भी .com आ जाए पर आपको कुछ नहीं करना है, उसमें क्लिक ही नहीं करना है, उसको रिप्लाई तक नहीं देना है। दोस्तों मैंने आपको ये सीधा सिंपल सी बात बता दी है कि भाई @gmail.com लिखा होगा उसमें तो आपका भाई वो स्पॉन्सर से सही है, रियल है, वरना बाकी सारे फेक हैं। तो दोस्तों मैंने ये बता दी है आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग जो कि भाई आपको आपके जीमेल पे और फ़ोन में भाई करके रख लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। दोस्तों अब मैंने जो बताया है वो आपको ज़रूर कर लेना है, वरना आजकल भाई बहुत ज़्यादा हैकिंग का सिस्टम बढ़ चुका है, फिर आपका चैनल आपके हाथ में नहीं रहेगा। आप क्या पता आपके चैनल आपको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।